हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 18 मई 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ का लिंक आंसर की के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रहे, मेरी जितनी भी प्लस क्लासेस या फिर फ्री क्लासेस अन अकेडमी पर होती हैं, उन सब की डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। और एक्स्ट्रा में जो भी क्लासेस होती हैं यूट्यूब चैनल पे, दोनों में से किसी भी यूट्यूब चैनल पे, तो उसकी भी डायरेक्ट लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आप इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के क्वेश्चन बिल्कुल ईजी से हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, अभी हाल ही में वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? तो हर साल वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है 17 मई को, कल के दिन इसको मनाया गया। इंपॉर्टेंट आपको ये है जो कि ध्यान रखना है, इस बार की 2021 की थीम क्या थी? थीम थी एक्लेरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। और बाय द वे, अगर इसके बारे में बात करी जाए कि वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे एक साथ कब मनाया, क्यों मनाया जाता है बेसिकली, देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 1865 में। और इसकी शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि 17 मई 1865 को ये पहली बार था जब टेलीग्राफ कन्वेंशन हुआ था, मतलब कहने का कि टेली कम्युनिकेशन को लेकर पहली मीटिंग आयोजित करी गई थी दुनिया भर के कई सारे लीडर्स के द्वारा। कहां पर? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। तब से लेकर आज तक लगातार टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना ही इसका मेन मोटो होता है, और इसी वजह से हर साल 17 मई को यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है भारत की जो कि पहली ऐसी राज्य सरकार बन गई है, या फिर पहला ऐसा ये राज्य बन गया है भारत का जिसने ग्लोबल कोवैक्स आलियांस को अभी हाल ही में ज्वाइन कर लिया है। ये ग्लोबल कोवैक्स आलियांस इस वजह से ज्वाइन किया है इस राज्य सरकार ने, क्योंकि कोविड के लिए जो वैक्सीन्स हैं वो वैक्सीन्स बेस्ट रेट्स पर मिल सके। ये है पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार। अब देखिए, आप सभी को पता है कि कोविड वैक्सीन्स की अगर बात करें भारत में, या फिर कोविड से जुड़ी हुई दवाइयां हो गई जैसे कि रेमडेसिविर हो गई, इन सब की काफी शॉर्टेज देखने को मिल रही है, चाहे रूरल एरिया हो या फिर अर्बन एरिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि शायद हमारे देश में इसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। शायद का डेफिनेटली अगर बोला जाए तो नहीं हो पा रही है इसकी भरपाई। तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने ग्लोबल कोवैक्स आलियांस को अभी हाल ही में ज्वाइन किया है। अब ये ग्लोबल कोवैक्स आलियांस है क्या? ये एक कोवैक्स जो एक ग्रुप बनाया गया है बेसिकली, ये गावी के अंतर्गत आता है, और गावी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल आलियांस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। इसकी स्थापना अभी पिछले ही साल करी गई है सन 2000 में, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड का। अब देखिए, जो गावी जब बनाई गई थी पिछले साल, तो पिछले साल कोविड पैंडेमिक जब आया था, जब कोविड की शुरुआत हुई थी, उस टाइम पर इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इस पर्पज से करी गई थी कि इसकी जिम्मेदारी होगी कि पूरे वर्ल्ड में कोविड वैक्सीन का बराबरी से इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब गावी की ये पूरे तरीके से जिम्मेदारी है ये देखना पूरी दुनिया में कि हर एक को कोविड वैक्सीन प्रॉपरली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कहीं किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है। इस वजह से पंजाब भारत का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने डायरेक्टली गावी को एक तरीके से ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो इन्होंने ग्लोबल कोवैक्स आलियांस अभी हाल ही में ज्वाइन कर लिया है। इसका मेन मोटो यह है कि पंजाब सरकार चाहती है कि बेस्ट प्राइस में इनको मिले, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि देश में जो कोविड वैक्सीन मिल रहे हैं उनके प्राइस पर पंजाब सरकार को भरोसा नहीं है, इस वजह से इनको इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर वीपी बदनोर। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है और गवर्नर है कलराज मिश्र। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का यह पहला ऐसा कौन सा देश बन चुका है जिसने धुएं वाले सभी नशीले पदार्थों पर एक साथ बैन लगा दिया है? विच बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू कैनाबिनॉइड सस्टेंसेस। आपसे कह रहा है दुनिया का पहला ऐसा देश जिसने ऐसे नशीले पदार्थ जिनसे धुआं उत्पन्न होता है, हर तरीके के ऐसे नशीले पदार्थों को कंप्लीटली बैन कर दिया है, यह है चाइना। चाइना दुनिया का पहला देश बन चुका है, और ये चाइना में कब से अप्लाई होने जा रहा है? आने वाले 1 जुलाई से, 1 जुलाई से पूरे तरीके से चाइना में अप्लाई हो जाएगा। चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है,
फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है, यूएस में जे बिडेन की सरकार है और ब्राजील में जेल बोल्सोनारो की सरकार है। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और चाइना की कैपिटल है बीजिंग। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2020 की मिस यूनिवर्स कौन बनी है? 2020 की मिस यूनिवर्स इस बार बनी है, इनका नाम है एंड्रिया मेजा। क्या नाम है? एंड्रिया मेजा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 2020 की मिस यूनिवर्स एंड्रिया मेजा जो है ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं? तो आपको ध्यान रखना है ये मैक्सिकन मॉडल है, मैक्सिको से बिलोंग करती हैं बेसिकली। अब यहां पर एक और तीसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, आपसे ये पूछेगा कि एंड्रिया मेजा कौन सी मिस यूनिवर्स बनी है? तो ये आज तक की 69th मिस यूनिवर्स बनी हुई है, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो आज तक का ये 69th 69वां मिस यूनिवर्स का टाइटल था जो कि अभी हाल ही में एंड्रिया मेजा के द्वारा जीता गया है। क्या किसी भारतीय ने भी इस टाइटल के आसपास अपनी जगह बनाई है? तो हाँ, ये हैं आपको इस वाली राइट साइड वाली जो पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है एडलिन कैस्टेलिनो। क्या नाम है? एडलिन कैस्टेलिनो। एडलिन कैस्टेलिनो भारतीय मूल की हैं बेसिकली और इन्होंने इसमें फोर्थ रैंक हासिल करी हुई है, एक तरीके से आप बोल सकते हो थर्ड रनर अप रही है। कौन? एडलिन कैस्टेलिनो। तो आपसे यहां पर चार तरीके के क्वेश्चन हो गए हैं। पहला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स कौन बनी? एंड्रिया मेजा बनी, ये 69th मिस यूनिवर्स बनी है, कहां से बिलोंग करती हैं? मैक्सिको से बिलोंग करती हैं। और चौथा और आखिरी क्वेश्चन कि कौन सी भारतीय हैं या फिर एडलिन कैस्टेलिनो, इन्होंने कौन सी रैंक हासिल करी है, चौथी रैंक हासिल करी है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूएनएससी, जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोला जाता है, इसके द्वारा किन दो देशों के बीच में कंप्लीट सीज फायर कराने के लिए अभी हाल ही में कल के दिन एक मीटिंग आयोजित करी गई यूएनएससी के द्वारा। आप सभी को पता है दुनिया भर में इसराइल और फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट्स अपने चरम पर हैं, तो इन दोनों देशों के बीच में सीज फायर लाने के लिए यूएनएससी के द्वारा कल के दिन पहली मीटिंग बुलाई गई है, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट अभी हाल ही में इस बार स्टार्ट हुए हैं। और इसराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। फलस्तीन की कैपिटल है रामल्ला। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। भारत की नई दिल्ली। पाकिस्तान की इस्लामाबाद। मैक्सिको की मैक्सिको सिटी। और यूएस की वॉशिंगटन। यूएनएससी का हेडक्वार्टर क्या है? यूएनएससी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूएनएससी की स्थापना 1945 में करी गई थी। और ध्यान रखिए, आप सभी लोग मुझे लग रहा है भूल जा रहे हैं, याद दिलाना मेरा काम है। सुबह 4 बजे जब मेरा ये वीडियो आता है तो उसके बाद 5 बजे 5 AM डेली रेशु मैम की स्टैटिक जीके की क्लास आ रही है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, वो सारे स्टैटिक जीके के होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं भी रिव्यू कर लेता हूँ। ध्यान रखिए, मेरी जान में वो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको जरूर कंप्लीट करते रहिए। वो सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर इतना क्रीम कंटेंट आपको मिल रहा है तो छोड़ना मेरे हिसाब से बिल्कुल और बहुत बड़ी मूर्खता होगी, तो कृपया करके मूर्खता ना करें, जरूर इस सीरीज को आप लोग फॉलो करो। आप खुद देखोगे एग्जाम में उसका क्या फायदा मिलने वाला है। खास बात उन मैडम की ये है कि वो जो 10 क्वेश्चन आपको डेली दे रही हैं उसमें इतनी ज्यादा वो डिटेल दे रही हैं। एक बार मैंने उन्हें बोला भी था कि मैडम इसको आप स्प्रेड कर सकते हो और ज्यादा, तब उन्होंने कहा कि नहीं सर, कि जितना है, जितना पॉसिबिलिटी हो पा रही है उतना मैं स्टूडेंट्स को देने की कोशिश करूंगी। तब मैंने देखा एक्चुअली कि उनके एक एक स्लाइड में बहुत ज्यादा कंटेंट है, तो एक बार उसे जरूर गो थ्रू करिए। और पुराने जितने भी वीडियोज हैं वो आप ऐसे ही एक बार में नहीं कर पाओगे, तो कोशिश करें कि उसको डेली बेसिस पर आप करते रहें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए कहीं आप अपना ही नुकसान ना कर लें इस फ्री के कंटेंट को ना लेकर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च्ड मिशन हौसला टू हेल्प पीपल टू गेट ऑक्सीजन पैड्स एंड प्लाज्मा फॉर COVID-19 पेशेंट्स। आपसे कह रहा है ये कौन से राज्य की पुलिस है जिसने अभी हाल ही में मिशन हौसला लॉन्च किया है, जिसके तहत पुलिस लोगों की मदद करेगी प्लाज्मा पहुंचाने में, उन्हें उन्हें हॉस्पिटल में बेड्स प्रोवाइड करने में और साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करने में। तो ये है उत्तराखंड पुलिस। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की सरकार है, तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा मिशन हौसला लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे तीरथ सिंह रावत की सरकार है, गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्या। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गवर्नर है आनंदी बेन पटेल। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, गवर्नर है आनंदी बेन पटेल। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जिसने अभी हाल ही में टॉप किया है एनवायरमेंटल रिस्क आउटलुक इंडेक्स 2021 को? अभी हाल ही में
इंडेक्स लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एनवायरमेंटल रिस्क आउटलुक। इस पूरे इंडेक्स में ऐसे सिटीज को शामिल किया गया है जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज हैं, जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण उत्पन्न होता है जिन शहरों में। तो इसमें नंबर वन पे कौन रहा? नंबर वन पे इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता रही। इस बार जकार्ता दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी है इस टाइम पर एनवायरमेंटल रिस्क आउटलुक इंडेक्स के आधार पर। नंबर सेकंड पे नई दिल्ली रहा, भारत भी पीछे नहीं है इसमें। और नंबर तीन पे भारत का ही शहर है चेन्नई। आपको बता दूं एनवायरमेंटल रिस्क आउटलुक इंडेक्स में जो टॉप 100 सिटीज हैं, इन टॉप 100 में से 99 एशियन सिटीज हैं। और इन 99 में से कितने सिटीज भारतीय हैं? तो भारत के शहर हैं 43 और सेकंड नंबर पे है चाइना, चाइना के 37 सिटीज हैं। अब आप समझ लीजिए 7 × 3 = 10 और 1 = 80, मतलब 99, 100 में से 99 एशियन है और 99 में से 18 छोड़ के 80 केवल भारत और चाइना से ही है। ये आप समझ लीजिए कि कितनी बुरी कंडीशन है इस टाइम पर पॉल्यूशन को लेकर भारत और चाइना में। और अगर आपसे ये पूछे कि एनवायरमेंटल रिस्क आउटलुक इंडेक्स कौन जारी करता है, तो इसको जारी करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वेरिस्क। इसको क्या लोग बोलते हैं? वेरिस्क मैपलक्रॉफ्ट, MAPLECROFT, मैपलक्रॉफ्ट। और वेरिस्क मैपलक्रॉफ्ट कहाँ की कंपनी है? ये ब्रिटेन की कंपनी है। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। अब आपसे पूछ रहा है वेरिस्क मैपलक्रॉफ्ट के द्वारा ये जो एनवायरमेंटल रिस्क आउटलुक इंडेक्स 2021 का जारी किया गया है, इसमें सेफेस्ट सिटी कौन सा रहा? मतलब दुनिया का ऐसा शहर जहां पर सबसे कम पॉल्यूशन है। तो इन्होंने डिक्लेयर किया है ग्लासगो को सेफेस्ट सिटी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के आधार पर। ग्लासगो कहाँ का शहर है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में पड़ता है। कहां पर? स्कॉटलैंड में। एंड बाय द वे स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग। क्या बोलते हैं इसको? एडिनबर्ग। और ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। एंड ज्यूरिख कहां पड़ता है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि 2021 का विमेन रग्बी वर्ल्ड कप की होस्टिंग करेंगे? या फिर आप बोल सकते हो ये कौन सा देश है जहां पर 2021 का विमेन रग्बी वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड इसको होस्ट करेगा। फिलहाल आपको बता दूं कि 2021 में इसके होने के चांसेस बहुत कम है। फिलहाल तो इसको पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड पैंडेमिक की वजह से। लेकिन हाँ, 2021 का टाइटल जब भी होगा, मे बी अगले साल हो, तो वो न्यूजीलैंड में ही होगा। ये फाइनल हो चुका है। और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट विल इन्वेस्ट हाउ मच अमाउंट टू ओपन मैकडॉनल्ड्स आउटलेट इन इंडिया दिस ईयर। आपसे कह रहा है इस साल ये जो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट कंपनी है, ये कितने पैसे भारत के बाजार में इन्वेस्ट करेंगे मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट खोलने के लिए? वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट पूरे 100 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे भारतीय बाजार में। जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ आया है कि ये वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट कौन है, तो समझ लीजिए। देखिए, मैकडॉनल्ड्स कहाँ की कंपनी है? मैकडॉनल्ड्स एक रेस्टोरेंट के रूप में इसकी शुरुआत 1940 में करी गई थी अमेरिका के कैलिफोर्निया में। उसके बाद 1955 में ये एक प्रॉपर कंपनी बन गई जो कि अपनी फ्रेंचाइजी देने लगी। तो इसका फाउंडिंग ईयर वैसे ज्यादातर लोग 1955 ही बोलते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, एज अ रेस्टोरेंट इसकी शुरुआत 1940 में करी गई थी। अब जब 1955 में इसकी शुरुआत होने लगी फ्रेंचाइजीज के रूप में और पूरे दुनिया भर में इसकी फ्रेंचाइजी बांटी जाने लगी, तब क्या हुआ? भारत में भी जाहिर सी बात है इसकी फ्रेंचाइजी बांटी जाएगी। तो भारत में उस टाइम पे वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट नाम की कंपनी आगे आई और इनको मैकडॉनल्ड्स के द्वारा पूरी जिम्मेदारी दे दी गई भारत के साउथ एंड एंड वेस्टर्न जोन की। मतलब जितना भी ये दक्षिण भारत है और जितना भी पश्चिमी भारत है, इस पूरे एरिया में मैकडॉनल्ड्स के जितने भी रेस्टोरेंट हैं, उन सभी रेस्टोरेंट्स को चलाने वाले वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट ही हैं। तो ये 100 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं इस साल और इनका कहना है इन 100 करोड़ की मदद से ये बनाएंगे कितने और रेस्टोरेंट? 30 और रेस्टोरेंट की स्थापना करी जाएगी भारत के अंदर जो कि मैकडॉनल्ड्स के होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ आ गई होगी। वैसे आज की डेट में अगर बोला जाए तो मैकडॉनल्ड्स का हेडक्वार्टर क्या है? ये है शिकागो। शिकागो इसका हेडक्वार्टर है। एंड वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट की बात करें तो इस कंपनी की स्थापना 1982 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वर्चुअल स्कूल फॉर
क्लास 9th to 12th स्टूडेंट, आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने क्लास 9 से लेकर 12th तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए वर्चुअल स्कूल अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ये है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार, इनके द्वारा वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। देखिए ये मैंडेटरी नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है इसमें नॉमिनल फी है, और आप चाहें तो 9th और 12th के बीच में अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आप वर्चुअल स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। ओके, इसमें एडमिशन आपको लेना है और साथ में आपको एक फैसिलिटी इसमें दी जा रही है कि आप अपने टीचर इसमें खुद चुन सकते हो, जिस टीचर से पढ़ना चाहें उस टीचर से आप इसमें पढ़ सकते हो। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, गवर्नर है अनसुईया उइके। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर फागू चौहान। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, गवर्नर है जगदीप धनखड़। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। ये जो कदम उठाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ये कोविड पैंडेमिक को देखते हुए उठाया गया है, क्योंकि कोई भी स्कूल खुल नहीं रहा है तो 9th से लेकर 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं इनका नुकसान ना होने पाए इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ब्रिटिश मास्टर्स गोल्फ 2021 किसने जीता? ब्रिटिश मास्टर्स गोल्फ 2021 का टाइटल इस बार जीत लिया है रिचर्ड ब्लैंड ने। क्या नाम है? रिचर्ड ब्लैंड। ब्लैंड कहां से बिलोंग करते हैं? ब्लैंड ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ब्रिटिशर हैं ये बेसिकली। आपको पता है इनसे आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए। कैन यू इमेजिन, इन्होंने ये टाइटल इससे पहले कब जीता था? इन्होंने 25 साल पहले ये टाइटल जीता था, और पिछले 25 सालों में ये ब्रिटिश मास्टर्स गोल्फ टाइटल के लिए कितने अटेम्प्ट कर चुके हैं आपको सुन के शायद थोड़ी सी शर्म आ जाए। 478 अटेम्प्ट इन्होंने किए थे। 478वां अटेम्प्ट ये था जब जाकर इन्होंने ब्रिटिश मास्टर्स गोल्फ टाइटल इस बार जीता है। तो आप जब बोलते हो कि सर मैं थक रहा हूं, सर मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं, तो मुझे आपको बताना है कि दुनिया में ऐसे ही लोग हैं जो कि आगे चल के विजेता कहलाते हैं, जो कि अपने अटेम्प्ट्स नहीं रोकते हैं। बेस्ट एग्जांपल उठाकर देख लीजिए केएफसी के फाउंडर का। उस व्यक्ति को जो केएफसी के फाउंडर है उनको 65 साल की उम्र में जाके सफलता मिली है, और उसके बाद जाके वो बिलेनियर हो गए। तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको कौन से अटेम्प्ट में सफलता मिलेगी, लेकिन अगर अटेम्प्ट ही नहीं आप कर रहे हो इसका मतलब आपने अपने आप को हारा डिक्लेयर कर दिया पहले ही। अब सवाल ये उठता है आपको हर बार कलम कॉपी उठा के अटेम्प्ट करना है या फिर अपने आप को हारा डिक्लेयर कर देना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन इटालियन ओपन सिंगल टाइटल 2021? साल 2021 का इटालियन ओपन सिंगल टाइटल इस बार किसने जीता है? इस बार का इटालियन ओपन सिंगल टाइटल राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल कहां के खिलाड़ी हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने किसको हराया? इन्होंने सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर इटालियन ओपन सिंगल टाइटल 2021 का जीत लिया है। ये इनका 10वां इटालियन ओपन सिंगल टाइटल था। किसका? राफेल नडाल का। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, और डोमिनिक थीम कहां के खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैंने जो कुछ भी आज आपसे कहा ये बड़े भाई होने के नाते कहा है, उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, उसको पॉजिटिवली लेंगे। और अनअकैडमी पर मेरा जीएस का कोर्स ज्वाइन करने के लिए और साथ में करंट अफेयर का जो फुल कोर्स आ रहा है उसे ज्वाइन करने के लिए वरुण 777 डिस्काउंट कोड है, इसको आप लगाएंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट अनअकैडमी पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।